वेलकम टू एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस चैप्टर 1 पार्ट 3 एपिसोड नंबर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग इसमें करेंगे। रियल नंबर को आपको हमने बताया कि यह रियल नंबर एक रेशनल नंबर से बना है, दूसरा इरेशनल नंबर है। यहां रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और दोनों का हम कहेंगे एक्सपेंशन। आइए करना चालू करते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। 10/3 को, 7/8 को, 1/7। यहां पर आपको जो है एक पेज लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर हम पेज ले लेता हूं और यहां पर 10 है और 3, तो 3 3 9 एक आया पॉइंट और 3 3 9 फिर एक आया, यानी यहां पर 3 3 3 आ रहा है और इसकी रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा है। और भाजक का डिवीजन की बात करेंगे तो 3 हो रहा है। अगर किसी का रिमाइंडर यहां पर देखा 1 1 1 1 आ रहा है, अगला तुम्हारे पास है 7/8 यानी 8/7 यहां पॉइंट बैठाएंगे, 8 7 56 8 8 64 यहां 6 आ गया 8 7 56 और 8/40 मजा आया, रिमाइंडर पहले 6 आया फिर 4 आया 0 आया, यानी रिमाइंडर किसी का 0 आ गया इसका मतलब टर्मिनेट हो डिविजन तो वही है। अब हम 1/7 को भागा दे, ये 7/1 यहां पर पॉइंट बैठाया, 7 1 7 हो गया, यहां 3 आया और 7 6 28 यहां 2 आया, 7 2 14 यहां 6 आया, 7 8 56 यहां 4 आया और 7 5 35 और यहां 5 7 7 9 यानी रिमाइंडर पहले 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया, 4 5 आया और यही रिपीट कर गया तो यहां पर भी रिपीट कर जाएगा। यह बात तुमको हम यहां पर सिखाया है, अभी हमने भाग तो दे ही दिया है तो यहां पर तो तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया। यानी इस पे हम रिमाइंडर देखा कि ये रिमाइंडर जो है 1 1 1 1 1 1 1 का दे रहा, यानी इसमें ये आपका 3.3 पर रिकरिंग ले रहा है। अब यहां पर जब इसको हमने रिमाइंडर के बारे में देखा तो तुम्हारे पास 8 8 64 यानी 6 आया और 8 7 56 4 आया और 8 5 40 में 0 आया, यानी यह तुम्हारे पास 1/7 वाले को देखा तो तुम्हारा रिमाइंडर जो है अभी पीछे वाले पेज में देख लो 3 2 6 5 ए आया, तुम्हारे पास ए आया। यानी हम बात को कर सकते हैं कि यहां पर तुम्हारे पास जो है व्हाट हैव यू नोटिस वी शुड हैव नोटिस जो है एटलीस्ट 3 थिंग्स यहां पर सोचोगे। द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज या स्टार्ट रिपीटिंग देम, या तो 0 आएगा या वह रिपीट करते जाएगा। द नंबर ऑफ जो है एंट्री इन द रिप्रेजेंटिंग स्टार्टिंग द रिमाइंडर लेस देन डिविजन, ये भी बात सही है। 10/3 वन द नंबर रिपीट देम सेल्फ 3, 1/7 में 6 नंबर एंट्री कर रहा है, 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 और इफ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिपीट करेगा तो उसको हम कहेंगे आपको टर्मिनेटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग। और यहां पर 1/7 का हमने देखा 14 28 57 आ रहा। आइए हम लोग अब इसी बात पर काम करेंगे। तो यहां पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल 0, ये बात तो तुम्हारे पास आराम से आ गया। कर अब यहां पर तीसरा केस में
तैयार टर्मिनेट कर। अब यहां पर तुमसे एक प्रश्न पूछेगा कि रिमाइंडर जीरो कब हो सकता है, उसके लिए कंडीशन है पी अपॉन क्यू, क्यू को अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं तो वह टर्मिनेट कर जाएगा, और नहीं लिख सकते हैं तो नॉन टर्मिनेट करेगा। नॉन टर्मिनेट करेगा तो दो बातें होगा, या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, लेकिन रेशनल नंबर में तो एक ही बात होगा, रिपीट करना पड़ेगा। रेशनल नंबर रहेगा तो रिपीटिंग नहीं आएगा, यानी यही तो अंतर है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, सांस ले लो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और पीरियोडिक भी नहीं होगा, पीरियोडिक भी नहीं होगा। अब कुछ यहां पर हम एग्जांपल लेके तुमको पेश करते हैं, तो यहां पर पेश करते हैं, जैसे यहां पर 2.3 रिपीट करके 2.567 इस पर रिपीट करें और यहां पर 2.567 खत्म हो गए। ये सब एग्जांपल रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर में क्या होगा कि 2.311 आया 3113 1113 डॉट रिपीट नहीं किया, 2.01001001001 4001 और यहां पर 5001 ये रिपीट नहीं किया। यह बात तुम्हारे पास हो गया, यहां देखो ये टर्मिनेट हो गया, ये नॉन टर्मिनेट, ये भी नॉन टर्मिनेट, यानी यहां पर टर्मिनेट बनने के लिए आपको उसको 2 to the power n और 5 के पावर n। अब यहां पर एक प्रश्न होगा कि जैसे कोई बच्चा गिर गया, अब उसको तुम देख लिया और तुम बोलने लगा कि बाबू गिर गया क्या, तुम रोना चालू किया, अब तुम उसको इग्नोर कर दो तो अपने से वो पोछ पाछ करके फिर सही। यानी अब प्रश्न ये उठेगा कि टर्मिनेट होगा तो कब हो, अरे 2 और 5 में जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे देखो 1/50, अब यह कितने पर टर्मिनेट होगा, यहां 1 का 1 लिखो और यहां 2 के पावर 1 5 के पावर 2, तो गौर से देखो 1 पावर 12 है कि 2 पावर 12 है, 2 पावर, यानी 2 मिनट के बाद वो खुद ही चुप हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और इसका बनाने का सहज तरीका, ये 2 है तो इसको भी 2 होना चाहिए, तो इसको 2 पूरा करने के लिए कर दिया तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 का पावर आया 5 हो गया, यानी 2/100 हो गया, यानी 2 अंक के बाद रुक जाएगा तो 0.02 हो गया, डिवीजन करना भी तुमको आसान हो गया। अब हम लोग पेज को आगे बढ़ाएंगे, यहां रिमाइंडर नेवर बिकम कम 0, ये भी बारे में हम तुमको अभी चर्चा कर दिया है। अब ये रेकरिंग को सॉल्व करना आम बात है हमारे, और तुम लोग चूंकि मेरा स्टूडेंट है तो तुम्हारे लिए भी आम बात है, चूंकि मजा लेके बने। शो दैट 3.14267 इज अ रेशनल नंबर, यस, बिकॉज 3.14267 2.0, इसका भी 2 जीरो, P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात ये रेशनल नंबर है। शो दैट 0.333 एक्सप्रेस P upon Q के फॉर्म में, आइए इसकी मजा लीजिए। ये x बराबर 0.333333333 यानी 0.3 पर लेते हैं, यानी यहां पर देखिए पीरियड इसका 3 है और इसकी जो पीरियडिसिटी है वो 1 है, यानी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना, जितना रहता है उतना 10 पर हम पावर करते हैं,
तो यहाँ पर 3.3 पर एक, और जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देखते होंगे तो हमने 7 क्लास में ही सिखा दिया। तो यहां पर 10x हो गया और यहां 3+ और 0.3 पर रेकरिंग है, तो इसको आपने x माना था तो अगला बार में 3+x, और यहां 9x इक्वल टू 3 तो x बराबर 3/9 इक्वल के 1/3, यानी 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास यहां 0.3391 और 3391 और 3391 ये आगे चला जाएगा। हम समझते हैं, और इसका टेक्निक जानो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, कुछ नहीं करना है, ये वाला को देखो उतार, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा, जितना पर रेकरिंग है उतना नौ ले, और दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पर रेकरिंग नहीं उतना जीरो, तो है भी नहीं है, तो 3/9 खेला खत्म 1/3। अगर तुम्हें यह खेल समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन को यू ही बना डालोगे, चूंकि अब लेकिन देखो पहले टेक्निक से ही मजा ले, चूंकि हमारी पहचान रियल में टेक्निक के लिए जाना जाता है। यहां पर 127-1 कितना पर रेकरिंग है, 2 पर, यानी 126/99 कटने वाला है, तो काट देंगे 42 और 33 और 14 + 42 = 11 + 33 यानी 14/11। और जो सब्जेक्टिव के लिए भी बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हम मास्टर हैं, तो यहां पर ये है, तो यहां पर पीरियड देखो 27 है, और प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 2 यानी 10^2 यानी 100, यानी इसको सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100x इस टाइप हो जाएगा 127y27। अब दोनों में घटा दो ना यार, यहाँ 99x = 1.27 और 27 पर रेकरिंग -1.27 पर रेकरिंग, ये वाला रेकरिंग रेकरिंग हट जाएगा, यानी 99x = 126 यानी x = 126/99 यहाँ पर कट गया, तो 14/11 x की वैल्यू आराम से निकल गया। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, किसको है, अब मजा पहले ले लो यार, ये बात तुम्हें आना चाहिए, मजा ले लो, क्यों तुम हमारा वीडियो देखोगे, 3/5 पर रेकरिंग गया तो यहाँ 2/3 - 2 और 3/5 दो ऊपर है तो 2/9 दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी 233/990 पहले आंसर लिख दो, पहले आंसर लिख दो, ये बात को तुम्हें साबित होना चाहिए कि पहले आंसर लिख दो। अब यहां x बराबर बनाने का तरीका भी तेरी सीख लो, अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो जाएगा, और यहां पर 10 से अपने मल्टीप्लाई किया ये पॉइंट खसक जाएगा, यहां आ जाएगा ना, तो 2.35 पर रे, यह बात तुम्हारे पास समझ में आ गया। अगला इसका 100 से मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो ये 1001 हो जाएगा, तो यहां पर 235.35 पर रे, आप इसको घटा दो तो 990x और यहां पर 235 - 2 यानी x बराबर 233/990 या x का वैल्यू निकल गया। अगला तुम्हारे पास जो काम करना है, एवरी नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस p अपॉन q के फॉर्म में, p और q इंटीजर्स होना चाहिए, यह रिजल्ट को तुम्हारे पास बताया है। अब तुम्हारे पास इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, या एस के भाई में देखो, या जो है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन पीरियड पता नहीं है, 0.1110110 ऐसे दिया है, √2 का भी हमको पता नहीं है कि किस सीरीज में जा रहा है, पाई की वैल्यू भी पता नहीं है, यानी एस आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ
आपका रेकरिंग इसमें नहीं है, इस कारण से यह इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, यानी यह रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वह इरेशनल नंबर है। पाई की अगर हम बात करें वैल्यू की, तो 22/7 ट्रिलियन वैल्यू है जो अप्रोक्स में है। इससे मोर अप्रोक्सिमेट वैल्यू 355/113 होता है। अगला ये हम लोग बात करेंगे, यहां पर रूट टू का वैल्यू हमारी वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं इस सीरीज से बनाया गया है। इसको हमने वैदिक मैथमेटिक्स से इसको हमने बनवा दिया है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हमने कर दिया है, वो वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर ग्रीक ट्रेडिशन मेडिसिन की अगर हम बात करें आर्किमिडीज साहेब का, तो आर्किमिडीज साहेब के बारे में आप लोग जानते एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले आर्किमिडीज साहेब थे, और उन्होंने बालू पर यानी रेत पर वह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे। उसी समय 8-10 जो है लोग आके इनको मारने के लिए कहा, बोले हमको मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फिगर को मत देना। और उन्होंने पाई का जो वैल्यू निकाला था वह 3.140845 से 3.142857, यानी लगभग अब इसकी वैल्यू 22/7 लिया है। और आपको पता है कि हम बिहारी हैं और मशहूरी के हैं, पटना जिला के हैं, और आपको पता है कि मशहूरी के ही आर्मर साहब थे, और वहीं से वो तारा जो है आपका तारा गिनते थे, इंडियन मैथमेटिशियन प्लस एस्ट्रोनॉमर ये जो है। और उन्होंने वैल्यू निकाला 3.1416, लेकिन अभी के डेट में अगर हम बात करें तो पाई का मोर एक्यूरेट वैल्यू बहुत तो निकाल दिए हैं, और 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक निकल चुका है। अब फाइंड द इरेशनल नंबर 1/7 और 1/2/7, आइए मजा लेते हैं। 1/7 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां 7 भागा 1, 7 एक 7, यहां सचों को 28, 0.14 से बड़ा और 0.28 से छोटा। अब 0.15 आ जाएगा, अब 0.00001, 0001 और 4 को 0, 5 को 0, 1 ऐसे करके लिखते चलेगा। 0.16 में 0001, 0001, 0001, 4 को 0, 1 5 को 0, 1 ऐसे लिखते चलेगा। खूब लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हो। अब एक्सरसाइज के करीब में हम आ चुके हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां पर 36/100, हम लोग यहां पर 100 को देखो, तुम्हारे पास 2 to the power 2, 5 to the power 2 लिख सकते हैं, यानी यह टर्मिनेटिंग है। इसको नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको आप लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग है। इसको नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको भी नहीं लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते। अब यहां पर एक प्रश्न तुमसे हो सकता है कि टर्मिनेट कब होगा। देखो यार, दोनों का पावर 2 है तो 2 अंक के बाद टर्मिनेट हो गया आंसर। ये कब हो, ये 3 अंक के बाद होगा, तो यहां पर 1, 2, 5 3 अंक के बाद होगी। अब ये 400 तुम कैसे लिख सकते हो, 400 है, यहां 200 हो गया, यहां 100 हो गया, यहां 2 हो गया, 50 हो गया, और यहां पर फिर 2 हो गया, 25 और 5, यानी 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, यानी 4 अंक के बाद होगा, लेकिन 25 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो कर दूंगा। अब 1/7 को तुम ये लिख सकते हो, तो 2/7 के लिए इसको 2 से गुना कर दोगे, तो 3/7 के लिए इसको 3 से गुना, 4/7 के लिए 4 से, 5/7, 6/7 गुना करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, P/Q के फॉर्म में है, यहां रेकरिंग छूट गया,
तो हम रेकरिंग लगा लेगा, ये 6/9 हो जाएगा। यहां पर यहां रेकरिंग होना चाहिए था 47-4/90 यानी 43/90। और इसमें तीनों पर रेकरिंग है क्योंकि भगवान के दया से मुझे याद रहता है क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन अपने स्कूल के टीचर से जरूर बात करना है, क्लासमेट से भी बात करना है, क्योंकि अगर ये 0.99 है यानी 0.9 पर रेकरिंग निकलेगा तो वैल्यू किसका वन हो गया, यानी इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकते, इससे 9 पर रेकरिंग नहीं होगा, वो लगभग 1 के ही बराबर होता है। यह बात तुम अपने क्लास टीचर से जरूर बातचीत करो, क्लास टीचर से बात करो, क्लासमेट से बात करो, डिस्कशन करने की जरूरत है। मतलब 9 एक ऐसे डिजिट है जिस पर आप रेकरिंग नहीं लगा सकते हैं, और वो बॉडीगार्ड के साथ रहेगा तो लग सकता है। जैसे यहां पर 2.91 पर रेकरिंग अब लग जाएगा, या यहां पर तुम्हारे पास 2.9-2/99 यानी 289/99 ये तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडीगार्ड में अपने आप को ले जैसे 2.99 पर रेकरिंग, तब भी यह गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह बात को तुमको यहां पर समझना है, इसलिए देखो बुक वाला भी एनसीईआरटी साहब ने लिख दिया है सरप्राइज व्हाट योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाट योर आंसर एंड मेक द सेट। पार्ट करने का मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग क्लास 1/17 को यहां भाग दे देना, सिंपल बात। लुक एट द सेवरल एग्जांपल द रेशनल नंबर द पी अपॉन क्यू, यहां पर तो आराम से दे सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब राइट द थ्री नंबर निकालना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का, आराम से अभी जो लिखा था पीछे वाली भी देना 0.140/001/001/400 तब ऐसे चले जाते हैं। अब फाइंड द थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द, यहां पर रेशनल नंबर है 5 निकाला है यार, आराम से निकाल दो, ये 5/7 को सॉल्व कर देगा ना, तो 0.749 और यहां पर 0.8। अब तुम्हारे पास पहले इरेशनल नंबर निकालना है, तो 0.70 से ऊपर लेना है, तो 71 ले लिया, फिर 01, फिर 001/001, यहां पर 4/01, यहां पर 5/01, ऐसे करते लिखते चला जाएगा, बहुत सारे निकल जाएगा। आओ हम लोग 0.7 क्यों लेते हैं, 01 ले लेंगे, 001 ले लेंगे, 001 ले लेंगे, 401 ले लेंगे, ये तुम्हारे पास आराम से निकलते चला जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल नंबर, दिस इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल एस लिख देंगे, इरेशनल सुनिए, इरेशनल को एस और रेशनल को आर, हां 225 रेशनल, यहां पर भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये वाला इरेशनल। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन घंटे का समय आ चुका है, देखिए टाइम पर हम चलते हैं, 25 मिनट आपके हो गए। अब तुम्हारे पास 0.34 है, तो यहां पर 0.34 अब 0.34 यानी 87 पर रेकरिंग, डी आंसर। बड़ा से बनाना चाहते हो रेकरिंग को कन्वर्ट कर दो, यहां पर 34/99 लिख सकते हो, यहां पर 34-3/90 लिख सकते हो, यहां 34/99 +31/90 इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां पर हो जाएगा 687-6/990 आपका सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर रूट अंडर 6 रूट अंडर 5 एक आ रहा है, तो इसकी 1/x निकाल देगा, तो रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 दोनों को जोड़ देगा, तो तुम्हारे पास 2√6, अब इसकी स्क्वायर कर देगा 24 में से 2 और 2 कर देगा, तो ये 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पी अपॉन क्यू को फॉर्म में करना है 3-5 तक, बस मजा ले लो, 0.6 2/3 अगला तुम्हारे पास हो जाएगा 0.47 43/90, अगला तुम्हारे पास हो गया 0.01 1/990, क्योंकि हम बताए थे कि पहले ये लिख देंगे जो नहीं है उसको घटा देंगे, उतना लो लिखेंगे, ये तुम्हारे पास आ गया। अगला प्रश्न है
क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल इरेशनल आपको पहचानना है 6 to 10 याद हूँ 23 जी इरेशनल सर यहां 225 रेशनल सर ये भी रेशनल सर ये देखिए 478 रेशनल है 7.478 आंसर भी लिखना चालू करेंगे तो 7478 माइनस 7/999 तो इसका हम लोग का हो जाएगा 7571999 ऐसे इसका आंसर रेशनल पी एफ एम क्यू के फॉर्म में हो गया। अब 10 नंबर ये देखो पता ही नहीं चल रहा कैसे चल रही है चाल ढाल घटेगा इरेशनल यानी वो पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।